वाहन चोरों के गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीम बनाई गई थी, जिसमें दो अभियुक्त पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिए। दो अभियुक्त अभी तक फरार हैं। यह चोर ग्रामीण क्षेत्रों से गाड़ियों को चोरी करके ले जाया करते थे। इन दोनों अभियुक्त से फोर व्हीलर कार बरामद हुई है। एक वाहन चोर जो गाड़ी ब्लॉक हो जाती थी उनको अनलॉक करने के लिए काम करता था। यह काम करते करते वाहन चोरों से जाकर मिल गया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। दो अभियुक्त फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। इन दोनों चोरों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। विगत कुछ दिनों से शहर और देहात के कुछ स्थानों में चार पहिया गाड़ी जो फोर व्हीलर गाड़ी है उनकी चोरी हो रही थी। इसी क्रम में टीम को इन चोरों के पकड़ने के लिए लगाया गया था, जिसके क्रम में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एक जो थाना बरादरी से संबंधित है और दूसरा जो है जनपद बदायूं से है। इसमें जो थाना बरादरी से संबंधित अभियुक्त है ये मेन इसमें गाड़ियों को खोलने का काम करता था। इसके पास 2014 से 16 तक की गाड़ियों को खोलने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि जिन ग्राहकों की चाबियां खो जाती हैं या वो गाड़ी लॉक हो जाती है उनकी गाड़ियों उनकी चाबियों और गाड़ियों को लॉक अनलॉक करने का ये काम करता है। और उसी सॉफ्टवेयर का ये नाजायज फ़ायदा उठाकर इनके साथ सम्मिलित हो गया और इन गाड़ियों को ये अनलॉक करता था। और उसके बाद ये इसको 10,000 रुपये इस बात के मिलते थे। और इसके बाद जो बदायूं का जो मेन अभियुक्त है ये पूरे तीन चार जो अन्य अभियुक्त हैं उन सबको एक साथ मिलाने का इसने कार्य किया। और दो अभियुक्त जो एक अलीगढ़ का और एक दिल्ली का है जो अभी फरार है, इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। ये गाड़ी को यहाँ से चुरा कर फिर दिल्ली या अन्य शहरों में बेचते थे। इनके पास से वर्तमान में तीन गाड़ियाँ बरामद हुई, जिसमें से एक गाड़ी चोरी की है उसका नंबर पता नहीं चल पा रहा है कहाँ का है, और दो गाड़ियाँ जो ये चोरी में यूज़ करते थे वो बरामद हुई हैं। और बाकी जो अन्य दो अभियुक्त हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार करके जो गाड़ियाँ यहाँ से चोरी हुई हैं उन सभी को बरामद किया जाएगा। क्या ये नकली कागजात बनाते थे या ऐसी चोरी की गाड़ियों? जो दो अभियुक्त बरामद हुए हैं इसमें से एक अभियुक्त तो गाड़ी को अनलॉक करने का काम करता था, उसको खोलने का काम करता था। दूसरा जो अभियुक्त है वो बाकी दो जो भागे हुए अभी चोर हैं जिनके ऊपर अभी इनाम घोषित कर दिया गया है, इनके इनसे इनको यहाँ इसने बुलाया था। और जो दो अभियुक्त भागे हुए यही गाड़ी को दिल्ली या अन्य शहरों में ले जाकर बेचते थे, और जब वो गिरफ्तार किए जाएंगे तो उनसे और चीज़ें पता चलेंगी कि किस तरीके से वो इन गाड़ियों को वहाँ पर बेचते थे या अन्य कोई कार्रवाई करते थे।